एवरीबॉडी वेलकम इन दिस क्लास। आज हम लोग इस क्लास में पास्ट टेंस के फोर काइंड के बारे में अध्ययन करेंगे, पांच परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तक आप लोगों को पास्ट टेंस के थ्री काइंड्स को बता दिया गया है, जहां पे आपने सिंपल पास्ट टेंस को देखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखा और पास्ट परफेक्ट टेंस को देखा। यहां हम लोग इसके फोर काइंड के बारे में अध्ययन करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसे कैसे पहचानेंगे और यहाँ किस प्रकार के रूल के प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप इस टेंस का जो है ना पहचान देख ले। इस प्रकार के जो टेंस की क्रिया की बनावट जो होती है वो निम्न प्रकार से होती है। क्रिया मेन वर्ब, एक्शन या किसी हिंदी वाक्य के अंतिम शब्द, अगर इसके अंत में ता रहा था ती रही थी ती रहे थे रहा था रही थी रहे थे प्लस समय का प्रयोग हो तो आप समझेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा। यानी इस प्रकार के इस टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप हिंदी वाक्य के अनुसार देखेंगे कि उसके अंतिम शब्द के बाद इस तरह के वर्ड का अगर प्रयोग हो तो हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। अब आप अफर्मेटिव सेंटेंस लें, अफर्मेटिव सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए जो हम रूल यूज करते हैं वह इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, इसके बाद बीन, वी फोर, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फॉर या सिंस प्लस टाइम। यहां आपके सामने जो रूल है यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। यहां जो भर्ब के बनावट होते हैं यह तीन भार्व का एक सेट होता है, हैड बीन और भी फोर। अब आइए हम लोग कुछ एग्जांपल को सॉल्व कर ले। जैसे मान लीजिए वह 2006 से बाहर जा रहा था, आप 5 वर्षों से मैच खेल रहे थे, सीता 2 दिनों से पत्र लिख रही थी, राम और श्याम सोमवार से यहां आ रहे थे, हम लोग 2 घंटा से बात कर रहे थे, वह 2 बजे से आपका इंतजार कर रही थी इत्यादि। अभी जो आप एग्जांपल देख रहे हैं ये सभी एक्शन जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे गए हैं।
यानी यहाँ बोध होता है कि कोई काम बीते हुए समय में किसी निश्चित समय पे शुरू हुआ और कुछ दिनों तक लगातार जारी रहा, मतलब कि प्रेजेंट टाइम से इसका कोई संबंध नहीं रहता है। अभी के समय में यह कार्य जो है ना समाप्त हो चुका है, क्योंकि अगर अभी भी जारी है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत नहीं। पास्ट टेंस का मतलब ही होता है कि क्रिया जो है ना बीते हुए समय में ही शुरू हुई और समाप्त भी हो गई। अतः यहाँ पे इस प्रकार के सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो रूल आपके सामने है, सब्जेक्ट हैड बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर योर सिंस प्लस टाइम। अब फॉर योर सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम, किस प्रकार के समय के पहले फॉर का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार के समय के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, ऐसे इस चीज को हम जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आप एक बार जो है ना प्रीवियस क्लासेस को देखेंगे जहां पे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा और वहां आपको फॉर या सिंस का प्रयोग बड़ी विस्तार से समझ में आ जाएगा। सो आंसर को देख लेते हैं, यहां पे वह 2006 से बाहर जा रहा था। He had been going out since 2006. आप 5 वर्षों से मैच खेल रहे थे। You had been playing the match 5 वर्षों से। For 5 years, सीता 2 दिनों से पत्र लिख रही थी। सीता had been writing a letter for 2 days. राम और श्याम सोमवार से यहां आ रहे थे। राम एंड श्याम हैड बीन कमिंग हियर सोमवार से। यहां ध्यान देंगे से छूट चुका था। सिंस मंडे, हम लोग 2 घंटा से बात कर रहे थे। वी हैड बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से आपका इंतजार कर रही थी। सी हैड बीन Waiting for you since 2 o'clock इत्यादि। यहां ध्यान दीजिएगा, जब भी वेट के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो हम ऑब्जेक्ट के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। यह हुआ आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के तरीका, पहचान और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के रूल। एग्जाम्पल आपके सामने है और इसके कैसे ट्रांसलेशन क्या होता है वो भी आपके सामने है। अब आप इसे नोट कर लें और इसके आगे हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इस टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल क्या होते हैं, एग्जाम्पल कैसे होते हैं। ओके, राइट डाउन। तो अब तक हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को देखे। अब यहां से हम देख ले कि नेगेटिव सेंटेंस में कैसे एग्जांपल होते हैं, कौन से रूल के प्रयोग होते हैं और क्या हमारा आंसर होता है। शुरू कीजिए इन नेगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए इस टेंस में जो हम रूल यूज करते हैं वह ऐसे होता है, सब्जेक्ट Had, इसके बाद नॉट, फिर बीन,
वी फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, लास्ट में टाइम। यह जो अभी रूल आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए वैलिड होता है। अब इसकी एग्जांपल को आप देख ले। जैसे मान लीजिए राम पांच माह से बाहर नहीं जा रहा था। आप लोग जनवरी से मुझे नहीं बुला रहे थे। वह 2004 से हिंदी नहीं पढ़ रहा था। हम लोग कई दिनों से इसे नहीं कर रहे थे। आप इन फॉर एग्जाम्पल को देखेंगे जहां प्रत्येक सेंटेंस में नहीं के प्रयोग किए गए हैं, ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब आप इसे जब ट्रांसलेट करते हैं तो अबव रूल का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन बी फॉर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे राम पांच माह से बाहर नहीं जा रहा था। राम हैड नॉट बीन गोइंग आउट पांच दिनों से फॉर फाइव डेज। आप लोग जनवरी से मुझे नहीं बुला रहे थे। यू हैड नॉट बीन कॉलिंग मी सिंस जनवरी। वह 2004 से हिंदी नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रीडिंग हिंदी 2004 से, यानी सिंस 2004। हम लोग कई दिनों से इसे नहीं कर रहे थे। We had not been doing this for several days. आंसर आपके सामने है। इस टाइप के सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और जब भी किसी नेगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पे इस रूल का प्रयोग करेंगे। Had, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन बी फॉर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम। बोलिए एनी डाउट? ओके। इसके बाद हम लोग देख लें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके फर्स्ट विंग के बारे में आप जान लें। यस नो क्वेश्चन, इसके लिए जो आप रूल फॉलो करेंगे वो हैड होता है, सब्जेक्ट होता है, आवश्यक हो तो नॉट अदरवाइज बीन का प्रयोग करेंगे, वी फॉर और ऑब्जेक्ट, इसके बाद फॉर या सिंस, टाइम विथ क्वेश्चन मार्क। तो आइए कुछ एग्जांपल को यहां भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या वह 10 दिनों से
खाना खा रही थी। क्या आप सोमवार से मैच नहीं खेल रहे थे? अभी जो आप एग्जांपल देखे हैं यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, यानी वे सभी प्रश्न जिसका आंसर हम हां या ना में दे सकते हैं उसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। हिंदी में इस प्रकार के जो प्रश्न होते हुए हमेशा क्या से शुरू होते हैं और इन इंग्लिश हमेशा एक्जुलरी वर्ब से शुरू किए जाते हैं। तो इन दोनों का आंसर आप यहां देखते हैं। क्या वह 10 दिनों से खाना खा रही थी? Had she been eating food 10 दिनों से? For 10 days। क्या आप सोमवार से मैच नहीं खेल रहे थे? Had you not been playing the match सोमवार से? Since मंडे इत्यादि बोलेंगे। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? राइट, अब आप इसे लिखेंगे। आगे हम लोग देख लें कि WH क्वेश्चन को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ओके, राइट डाउन। तो लुक हियर, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप इसके WH क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। WH क्वेश्चन बोले तो वे सभी प्रश्न जिसका आंसर ना हम हां में दे सकते हैं और ना में दे सकते हैं उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें प्रश्नबोधक शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद रहता है। हिंदी वाक्य के अनुसार सबसे पहले आप देखें कि इस टेंस, इस सेंटेंस में जो आप रूल यूज करते हैं इस टेंस के लिए उसका बनावट कैसे होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर हैड को रखेंगे, तब सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव हो तो नॉट का यूज करेंगे वरना छोड़ देंगे। बीन का प्रयोग करेंगे, वी फॉर और ऑब्जेक्ट। इसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे और लास्ट में टाइम को मेंशन करेंगे विद क्वेश्चन मार्क। बोलिए कोई प्रॉब्लम? अब इस रूल को यूज करने के लिए हम कुछ एग्जांपल को ट्रांसलेट करके देख ले। जैसे यहां देखेंगे आप, वह क्यों 10 बजे से विद्यालय जा रहा था? ट्रांसलेट कर लीजिए, क्यों? Why had he been going to school 10 बजे से? Since 10 o'clock। हम लोग कैसे 2 घंटा से मैच नहीं खेल रहे थे? अबव रूल के अनुसार ट्रांसलेट कर लेंगे, हाउ हैड वी
नॉट बीन, प्लेइंग द मैच कब से, 2 घंटा से, फॉर 2 आवर्स बोलेंगे। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? राइट। अब इसके साथ कुछ नोट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। एक सेंटेंस रखते हैं, वह कब से पत्र लिख रहा था, यह भी हमारा WH क्वेश्चन होता है जहां पे टाइम को मेंशन नहीं किया गया है। टाइम के बदले जो है ना हम WH वर्ड का ही प्रयोग किए हैं, कब से। अब इसे आप 2 तरह से अपने सेंटेंस में मेंशन करेंगे। सबसे पहला, सिंस व्हेन हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर, या हाउ लॉन्ग हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर। हालांकि हाउ लॉन्ग के पहले जो है ना हम लोग फॉर का प्रयोग भी करते हैं, आप ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब कब से होगा तो आप वेन का प्रयोग करेंगे, तो इसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। आप चाहें तो वेन के बदले हाउ लॉन्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हाउ लॉन्ग के पहले आप फॉर लिखें, फॉर हाउ लॉन्ग लिखें तब भी राइट है, और ना लिखें तब भी राइट है। तो यहां तक हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो है ना समाप्त किया। अब इससे रिलेटेड जो है ना, आपके पास जो भी ट्रांसलेशन का बुक हो वहां से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो करेंगे, और जो लास्ट में जो एक्सरसाइज होगा उससे आप प्रैक्टिस करेंगे। हर सेंटेंस के रूल आपके सामने है, एग्जांपल आपके सामने है, सेल्फ स्टडी करें और अपने से प्रैक्टिस करें, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, राइट डाउन।